हेलो दोस्तों, मैं माला चटर्जी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ पनीर मलाई कोफ्ता करी। पनीर मलाई कोफ्ता करी बनाने के लिए मैं थोड़े से पनीर लिए हैं और ये खोवा खीर इसको मावा कहते हैं, ये लिया है मैंने। तो पनीर कोफ्ता करी बनाने के लिए पहले मुझे ग्रेवी में जाना है। ग्रेवी को पहले प्याज व्याज को पहले उसको एक स्टीम, मैंने कुकर में एक स्टीम देना है। इसके लिए मैंने देखिए एक प्याज मीडियम साइज़ का एक प्याज लिया है, इसको मुझे पकाना है कुकर में। तो पहले मैंने ग्रेवी बनाना है फिर आके कोफ्ता बनाना है। तो पहले मैं ग्रेवी के लिए तैयार हूँ। ग्रेवी में मैंने एक प्याज लिया है, ये देखिए एक प्याज, एक प्याज मैंने काट लूंगी, रफली चॉप करूंगी, मतलब बड़ा बड़ा करके बड़े साइज में। ये देखिए ये मैंने कुकर ले लिया है। अभी कुकर में मुझे ये प्याज डालना है। एक प्याज दिया मैंने, ये खसखस 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून खसखस, ये देखिए खसखस जाएगा। 4-5 ये काजू जाएंगे। ये 4-5 काजू जाएंगे। ये मगज का है, मगज 1 टेबलस्पून मगज। ये देखिए मगज ये जाएगा। अब मुझे इसे पानी से 1 सीटी आने तक उबलना है। इसमें बैठा दिया मैंने। अब मैं कोफ्ता के लिए तैयार हूँ। कोफ्ता के लिए मुझे क्या करना है, इसको पहले मैश करना है। इसको पनीर को पनीर कोफ्ता के अंदर फिलिंग के लिए मैंने ये थोड़े किशमिश, काजू, पिस्ता और बादाम थोड़ा मैंने फाइन चॉप काट लिया है। इसमें हरी मिर्च दूंगी एक, और 1 या 2 हरी मिर्च, नमक देके इसको फिलिंग तैयार कर लूँगी। इसके बाद इसको भरना है। तो पहले मैंने क्या करना है, पहले पनीर को अच्छी तरह से मैश कर लें, खूब अच्छी तरह से इसको मैश कर लेना है, दाना ना रहे। ये हो गया। अब मुझे इसका आधा देना है, ये मेरा ज़्यादा है इसलिए इसको मैं आधा दूंगी। ये देखिए इतना दूंगी इसके हिसाब से, ये इतना मैं इसको, इतना मैंने बचा लिया, ये किसी और सब्जी में काम आ जाएगा। अब इसको भी मैश करना है अच्छी तरह से। ये घर का बना है मोमो, मेरा घर का मावा बना है, घर का पनीर बना है। अभी तो लॉकडाउन, 10 दिन का लॉकडाउन चल रहा है, इसमें सब दुकानें बंद हैं,
और बाजार से खाने से अच्छा आप तो होटल में जाके ऑर्डर करते हो मलाई कोफ्ता करी का, पनीर मलाई कोफ्ता करी का आप अपने घर में बनाओ। ये हुआ, ये मेरा मिक्स हो गया। अब इसमें अब उसको इसमें मैं 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर दूंगी। ये देखिए कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून मुझे देना है। इसमें स्वाद अनुसार नमक देना है मुझे। हल्का सा नमक देना है। ¼ टीस्पून मुझे नमक देना है इसमें। पहले मैं गोले गोला बना लूँ। अब मैं गैस बंद कर दूँ। एक सीटी हो गया है, मैंने कर दिया था। अभी गोला बना के मैं इसमें फिलिंग भरूंगी। फिलिंग भरने के लिए मैंने हमारे ख्याल से और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर जाएगा इसमें, थोड़ा सा और मुझे कॉर्नफ्लोर देना है क्योंकि ये अभी पानी पानी लग रहा है मुझे। 1 टेबल स्पून मैंने दे दिया बस। बस हो गया है। अब थोड़ा सा पानी खींच लिया इसने, हल्का सा नमक, हल्का ये देखिए हल्का सा नमक। अब मैं पहले लोई बना लूं, फिर अब इसको मैंने इसमें हरी मिर्च, गरम मसाला और थोड़ा सा नमक मैंने मिलाया है। अब इसको मैं फिलिंग भरूंगी। ये देखिए इसके अंदर फिलिंग भरा है मैंने। ज्यादा भर गया पहले,
ये मैं कॉर्नफ्लोर का पाउडर लिया है मैंने, एक कॉर्नफ्लोर का पाउडर है, कॉर्नफ्लोर है, उसी में मुझको इसको लगा लेना है। फिर मैं इस तरह से सबको करके फिर मैं आऊँगी। ये देखिए, पहले मैंने प्याज, काजू, मगज और खसखस, इसको मैंने एक सीटी लगा के प्रेशर कुकर में पका लिया है। अब इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, थोड़ा ठंडा हो जाए इसके बाद, तब तक मैं कोफ्ता बना लूँ। कोफ्ता बनाने के लिए मैंने तेल चढ़ा दिया है, ये देखिए तेल चढ़ा दिया है। अब मैं कोफ्ता तल लूँ। कोफ्ता तलने के बाद ये देखिए, ये मेरा गोल्डन कलर आ गया है, ये मेरा कोफ्ता, ये मेरा बन गया है। बहुत कम हिलाना है इसको। ये देखिए मेरा कोफ्ता, इस तरह से मैं सब बना के फिर मैं आऊंगी। ये देखिए मेरा कोफ्ता तैयार हो गया है, इस तरह से कोफ्ता तैयार हो गया है। तो कोफ्ता मैंने बना लिया है, अब मैं ग्रेवी बनाऊंगी। ग्रेवी के लिए मैंने, ये तेल गरम है, इसी में से मैं तेल ले लूंगी। और ये मैंने सफेद वो मसाला बना लिया है, प्याज और काजू और ये मगज और वो खसखस, इसको मिला के मैंने पीस लिया है, उबाल करके पीस लिया है अच्छी तरह से। अब मैं एक तेज पत्ता दूंगी इसमें, ये साबुत गरम मसाला मैं दे दूंगी। ये साबुत गरम मसाला मैंने लिया है, ये साबुत गरम मसाला मैं इस तरह से दे दूंगी। वन टीस्पून मैंने जीरा देना है, 1 टीस्पून जीरा।
वन टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ये कच्चापन चला जाए, जरा ये कच्चापन चला जाए, अब मैं ये प्याज दूंगी पिसा हुआ। मैं इसको धो के दे दूंगी। अब मैं इसमें दही दूंगी। दही हमेशा धीमी आंच में देना चाहिए, धीमी आंच में धीरे धीरे और फेंटते हुए को दीजिएगा, नहीं तो फट जाता है। ये मैंने दे दिया। इसमें मैं पानी मिला के दे दूंगी। ये देखिए इसमें मैंने पानी पानी दे दिया है। पानी दे के मैंने उबाल लिया है। अब मैं इसमें गरम मसाला दूंगी। वन गरम मसाला मैंने देना है, जरा सा गरम मसाला। गरम मसाला जरा सा क्रीम, थोड़ा फ्रेश क्रीम। स्वाद अनुसार नमक दिया है मैंने और इसमें वो कस्तूरी मेथी दिया जाता है, लेकिन मेरा इस समय अवेलेबल नहीं है। मैंने ये कूटा हुआ काजू किशमिश था, मैंने इसको दे दे रही हूँ। देखिए मेरा सफेद ग्रेवी तैयार है। अब मैं इसको सर्व करूंगी। सर्व करने के लिए मैंने ये प्लेट रखा है। ये मैं बंद कर दे रही हूँ गैस।
मैं थोड़ा क्रीम दे दूँ इसमें। अब मैं इसमें थोड़ा गरम धनिया पत्ता, एक दो धनिया पत्ता, किशमिश, एक काजू, ये देखिए मेरा पनीर मलाई कोफ्ता करी तैयार है। ये देखिए पनीर मलाई कोफ्ता करी, मलाई कोफ्ता करी ये तैयार है। खाइए और अपना अनुभव माला चटर्जी किचन में शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगले रेसिपी में फिर मिलूंगी। पनीर मलाई कोफ्ता करी देखिए।